नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। कुपोषण मुक्त अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम प्रणब कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सेवा से हटाए जाने पर टीएनबी कॉलेज के कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा, आर पार की लड़ाई की दी चेतावनी। बांका में दंपत्ति का शव संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद, पुलिस हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर कर रही है जांच। बदहाल बिजली आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने पावर सब स्टेशन में जरा ताला सुधार नहीं होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भवन में हुई बैठक, संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के डीआरडीए परिसर में शुक्रवार को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत राष्ट्रीय पोषण माह रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी प्रणब कुमार एवं डीपीओ आईसीडीएस अर्चना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि कुपोषण मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए सभी विभागों को एकजुट होकर लोगों को जागरूक करना होगा। डीएम ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि यदि जन्म से 2 वर्षों तक यदि बच्चों को सही समय सही देखभाल एवं पोषाहार मिले तो बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सकता है। समाज में जागरूकता के अभाव के कारण सरकारी योजना का सही लाभ नहीं मिल पाता है और इसी को लेकर स्वास्थ्य, आईसीडीएस, जीविका, शिक्षा, पीएचईडी समेत तमाम विभागों से समन्वय स्थापित कर जागरूकता रैली निकाली गई। आईसीडीएस डीपीओ अर्चना कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय कुपोषण माह को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और रैली के माध्यम से लोगों को कुपोषण से बचाव, आदतों में बदलाव और बच्चों एवं खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। ढोल गाड़े के साथ समारोह पूर्वक निकाली गई रैली में विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मौजूद थी। आप सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है और खासकर जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पे हैं, जो बच्चे उस उम्र अवस्था में हैं जो कि आंगनवाड़ी केंद्र जाने लायक हैं, वही समय होता है जब बच्चों का पोषण इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 2 साल तक बच्चों का जो पोषण हो जाता है, जिस तरह से उनका लालन पालन हो जाता है, तो फ्यूचर में उसी के हिसाब से उनका ग्रोथ होता है। तो इनिशियल डेज में जो शुरू के समय हैं, एक तो जन्म लेने के बाद बच्चों को स्तनपान कराना है, उसके बाद उन्हें बेहतर पोषण देने के लिए पोषक आहार देना है, ये सारी व्यवस्थाएँ जन जन तक जागरूकता पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि लोग इस चीज़ को समझेंगे। ये हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हमारा मतलब आईसीडीएस मतलब समाज कल्याण विभाग के अलावा ये जीविका हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, पंचायती राज हुआ और पीएचईडी हुआ, अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय बैठाकर कुपोषण को दूर करने हेतु ये कृतबद्ध होकर हम लोगों के द्वारा ये अभियान चलाया जाता है प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत। और इसके भागलपुर टीएनबी कॉलेज के 11 कर्मचारियों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। दरअसल 4 सितंबर को कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने पत्र जारी कर अमरेंद्र झा, विभास चंद्र झा, कुमार आशुतोष राजेश, कार्तिक चंद्र चक्रवर्ती समेत कई कर्मचारी की सेवा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, जिसके बाद 5 सितम्बर को कर्मचारियों ने प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की नियुक्ति, प्रोन्नति और लास्ट पे सर्टिफिकेट पर कई सवाल खड़ा कर दिया। वहीं शुक्रवार को कर्मचारियों ने प्राचार्य से वार्ता की और मौखिक आश्वासन मिलने की बात कही। टीएनबी कॉलेज के पूर्व एसओ अमरेंद्र झा ने कहा कि अगस्त माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि वर्सर डॉक्टर संजय झा के आने के बाद नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं वार्ता असफल होने पर आक्रोशित कर्मियों ने जमकर हंगामा किया और अगस्त माह के वेतन भुगतान की मांग को लेकर अड़ गए। मामला बिगड़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को समझा बुझा कर शांत कराया। प्रिंसिपल ने बार बार अकाउंटेंट को कहा आप इस पर दस्तखत कीजिए और अकाउंटेंट प्रिंसिपल के आदेश को नकारते चला गया। मैं इस हरकत को पहली बार टीएनबी में देखा कि टीएनबी ऐसी दुर्गतिपूर्ण स्थिति में है जहां ये पता नहीं चलता कि प्रिंसिपल का पद महत्वपूर्ण है कि लेखापाल का पद महत्वपूर्ण है और बारम्बार प्रिंसिपल के कहने के बाद भी लेखापाल ने उस पर दस्तखत नहीं किया और वो पत्र वहीं खारिज होने के पहले प्रिंसिपल ने कहा
मुझे भूख लग गई है, मैं खाना खा के आता हूँ। हम लोग सभी चाय पी कर के पूरे 10 बजे से भूखे प्यासे यहाँ आए। प्रिंसिपल 2 रोटी खाने के बहाने जो 2-2.5 बजे गए सो अभी तक नहीं आए। चांसलर का ऑर्डर मेरे पक्ष में, हाईकोर्ट का CWJC का ऑर्डर मेरे पक्ष में, राज्य सरकार का ऑर्डर मेरे पक्ष में, और फिर ये प्रिंसिपल कुलपति के बाहर रहने के बावजूद हमारे वेतन को बगैर किसी कारण का रोक दिया और हमसे काम भी नहीं ले रहा है। हम कहते हैं ये लिख के दे दीजिए कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं किए हैं, वो भी नहीं देता। बांका के कटोरिया में पुलिस ने आदिवासी दंपत्ति का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया है। मृतक दंपत्ति की पहचान जयपुर थाना क्षेत्र के कुर्मा टांड निवासी मेरूलाल हेम्ब्रम और रिसीना मरांडी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही SDPO मदन कुमार आनंद एवं जयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस हत्या या आत्महत्या की बिंदुओं पर जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत 3 दिन पूर्व हुई है और दोनों ने 6 माह पूर्व परिजनों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनियमित बिजली आपूर्ति और अवैध वसूली के खिलाफ शुक्रवार को सनहौला पावर सब स्टेशन में CPI के बैनर तले सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज उपभोक्ताओं ने सब स्टेशन में ताला जड़ दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजीत सुमन ने कहा कि प्रखंड में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली नहीं मिलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है, साथ ही किसान सिंचाई के लिए परेशान है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मी तार एवं ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला परिषद सदस्य माला देवी ने किया। इस दौरान काफी संख्या में CPI के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह भागलपुर जिला समन्वयक भाई कुंदन गुप्ता संगठन को मजबूती प्रदान करने और नाथनगर में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के पंचायत, प्रखंड एवं जिला कमेटी के पदाधिकारियों से उपचुनाव की तैयारी और जनता के बीच संगठन के प्रति मौजूदा हालात की जानकारी ली। भाई कुंदन गुप्ता ने कहा कि नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के लिए संगठन तैयार है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस के सभी पुराने एवं नए कार्यकर्ताओं को काम करना होगा, जिससे भाजपा एवं RSS द्वारा जनता के बीच फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब किया जा सके। बैठक में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद, शंभू दयाल खेतान, JP शाह, विपिन बिहारी यादव, MP सिंह, परवेज जमाल, अनामिका शर्मा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम जिला कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जो भी सो कॉल्ड कांग्रेसी भागलपुर के हैं, सबको आमंत्रित किया गया है और एक रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है संगठन की मजबूती, भागलपुर जिला में कांग्रेस की मजबूती के लिए। और आगामी जो उपचुनाव होना है नाथनगर सीट पर भागलपुर जिले के अंदर में, हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यकर्ता साथियों का उत्साह वर्धन करके और जो ऊपर का मार्गदर्शन है, हम उस मार्गदर्शन को नीचे ग्राउंड लेवल पर जाएंगे। और जो BJP का झूठ है, आतंक जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करा करके, या बहुत तरह की बात है, कभी गंगा के नाम पर, कभी सेना के नाम पर राजनीति, इस तरह की जो झूठी राजनीति का प्रोपगंडा जो BJP और RSS का है, उसको बेनकाब करना। और बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने फुल्ली डुबर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान SP ने लंबित कांडों की समीक्षा की और उसके निपटारे को लेकर थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने फुल्ली डुबर थाना को पूर्ण थाना का दर्जा दिए जाने की मांग की। इससे पूर्व निरीक्षण के दौरान SP ने नवनिर्मित थाना भवन, हाजत, पुलिसकर्मियों के आवास का जायजा लिया। SP ने थानेदार को फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करने, रात्रि गश्ती तेज करने एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए। SP को थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए Silk TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584, 8430075573।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नौगछिया पुलिस लाइन स्थित पुलिस मेंस कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नंदन कुमार एवं निभाकर कुमार, उपसभापति पद के लिए वीरेंद्र कुमार एवं फिरोज कुमार, सचिव के पद पर निहाल रंजन कुमार एवं अंशु पटेल और कोषाध्यक्ष पद पर जय प्रकाश सिंह एवं रविन्द्र कुमार भारती ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा संयुक्त सचिव, केंद्रीय सदस्य एवं अंकेक्षण के पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि 8 सितंबर को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और 2 घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे देर शाम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से बीपीएल स्वरोजगार यात्रा की शुरुआत की गई। बीपीएल स्वरोजगार यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता सुनील कुमार, बबलू सिंह, मोहम्मद निसातुर रहमान, वेदांत एवं अजय कुमार मंडल ने किया। सुनील कुमार ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य युवाओं और गृहिणियों को स्वरोजगार से जोड़ना है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण युवा परेशान है और सरकार सत्ता की भूख मिटाने में परेशान है। बिहार समेत देश के कई राज्यों में सरकारी शिक्षा हाशिए पर है और मंत्री और सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं। यात्रा के माध्यम से पंचायत, वार्ड एवं झुग्गी झोपड़ी के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे पूर्व बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीपीएल पार्टी एवं स्वरोजगार यात्रा को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सामाजिक कार्यों से अपनी अलग पहचान बनाने वाले 85 वर्षीय हाजी मोहम्मद मंसूर अली वारसी ने अब एक और नई शुरुआत की है, जिसमें अब उनका लक्ष्य समाज के गरीब और असहाय बच्चों के बीच निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इसके पूर्व जून माह में हाजी मंसूर ने कई गरीब बेटियों की शादी कराकर समाज में मिसाल पेश की थी। विगत वर्षों से हाजी मंसूर वारसी भागलपुर पंसल्ला चौक के समीप मदरसा मदीना दावते इस्लामी का संचालन भी कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों बच्चों को निःशुल्क तालीम दी जाती है, साथ ही किताब से लेकर लिबास तक मुहैया कराया जाता है। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर हाजी साहब ने मदरसा के बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी की शिक्षा देने के साथ कंप्यूटर ज्ञान देने की बात कही। मुअज्जम चक निवासी मंसूर अली ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी और इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है कि हम गरीब बच्चों को तालीम दें, ऊंचा से ऊंचा तालीम दें, ताकि वो समाज में, वो भी अमीरों के पैरेलल में आकर के खड़ा हो सके और बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हर इंसान को इस मामले में हाथ बटाना चाहिए। जो गरीब है, बेचारा नहीं पढ़ सकता है, नहीं स्कूल जा सकता है, उसके लिए उसकी उसका इंतज़ाम कर दे। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द नेशन। अगर बेचारा इंसान में एजुकेशन नहीं है, वो बेकार है, अंधा है, इसलिए दुनिया बेकार है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब स्नातक में 9 सितंबर तक नामांकन लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर SD झा ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ये वहीं ऑनलाइन नामांकन में हो रही गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की और कहा कि लगभग 7000 सीट खाली रहने के बावजूद छात्र नामांकन से वंचित है। वहीं छात्रों की समस्या सुनने के बाद रजिस्ट्रार ने संबंधित अधिकारियों से बात की और समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने छात्रों को MCA के निदेशक प्रोफेसर कमल प्रसाद से मिलने की बात कही। छात्र आशुतोष ने कहा कि कई बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद छात्र परेशान है और विश्वविद्यालय के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में लगभग टोटल 7000 सीट खाली है। ग्रेजुएशन के कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है,
वैसे नामांकन से वंचित जो छात्र हैं उनकी मांगों को लेकर के हम लोग रजिस्ट्रार सर से मिले हुए थे कि किस तरह से इन लोगों का फिर नामांकन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से विश्वविद्यालय में अभी लगभग 7000 सीट खाली है और अलग अलग तरीके से अप्लाई वगैरह करने के बाद 3-4 चरणों में अप्लाई करने के बाद भी लोगों का कहीं नाम नहीं आ पाया है। शिक्षक दिवस को लेकर भागलपुर TNB कॉलेज में हिंदी विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। वहीं छात्र छात्राओं ने कुल गीत, स्वागत गान और गुरु वंदना की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार चौबे ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है, जबकि डॉक्टर सुबोध मंडल, डॉक्टर आनंद कुमार और डॉक्टर जितेश कुमार ने छात्रों को गुरु और शिष्य के रिश्ते का महत्व बताया। वहीं भागलपुर के DPS जूनियर स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने फिल्मी धुन पर जमकर मस्ती की। स्कूल की निदेशिका विनीता देवी और प्राचार्य पूजा कुमारी ने केक काटकर बच्चों के साथ शिक्षक दिवस मनाया। प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस का महत्व बताया और कहा कि शिक्षा के जरिए ही समाज और देश का विकास संभव है। मौके पर सौरभ कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धौरैया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने किया। इस दौरान बैठक में मौजूद वीडियो अभिनव भारती ने आपसी सद्भाव के साथ त्यौहार मनाने की लोगों से अपील की। वहीं CO अजय कुमार ने मौजूद लोगों को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। थाना अध्यक्ष ने कहा कि त्यौहार के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। शिक्षक दिवस को लेकर ओएसिस एजुकेशन के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ओएसिस की निदेशिका अमृता सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर नमन किया। संस्थान की निदेशिका ने आधुनिक युग में शिक्षा के बदलते स्वरूप पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। कुपोषण मुक्त अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली DM प्रणब कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सेवा से हटाए जाने पर TNB कॉलेज के कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा, आर पार की लड़ाई की दी चेतावनी। बांका में दंपत्ति का शव संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद, पुलिस हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर कर रही है जांच। बदहाल बिजली आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने पावर सब स्टेशन में जरा ताला सुधार नहीं होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भवन में हुई बैठक, संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।